हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन विद चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू जो कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बट ये थोड़ा सा जो है कॉस्टली है, बट इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब आप जो फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा केकीपन लगता है, थोड़ा मोटा लगता है और या आपको लगता है कि आपने फाउंडेशन वेयर कर रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस फाउंडेशन के अंदर। इसलिए मैंने रिसेंटली इस फाउंडेशन को अभी परचेस किया है, तो मैंने सोचा इसका जो एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहा है मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। सो गाइस, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पर कौन से फाउंडेशन की बात करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ नेक्स्ट टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन। ये इस टाइप की कुछ पैकेजिंग के अंदर आता है और इसको जब ओपन करते हैं तो इस टाइप से ये बॉटल आती है। यूजुअली जो फाउंडेशन होते हैं उनके अंदर जो क्वांटिटी आती है प्रोडक्ट की वो 30 ml आती है, बट निक्स ऐसा फाउंडेशन है जिसके अंदर जो आप इतना पे करते हो उसके बाद में आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1250 रुपीज़ है, बट आपको डिस्काउंट के अंदर मे बी 1000 में मिल जाए, बट 1000 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। आपको 1100 या 1200 तो पे करना ही पड़ेगा। बहुत कम रेंज में ये डिस्काउंट में आता है। तो ये इस टाइप की बॉटल के अंदर आता है कुछ, और आप जब इसे ओपन करते हो तो इस टाइप से ये ड्रॉप कैप आता है जिससे आपको फाउंडेशन को पिक करना पड़ता है और आपके ऊपर फेस पर ड्रॉप को छोड़ना पड़ता है। तो आप इस फाउंडेशन को फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा सकते हो। अब बात करूँ इसके शेड की, तो मैंने यहाँ पे इसका जो शेड परचेस किया है वो सिनेमॉन परचेस किया है। एक्चुअली मैं इसके शेड को लेके बहुत कंफ्यूज थी, मुझे बहुत कंफ्यूजन था। मैंने काफ़ी सारे लोगों के रिव्यू देखे, उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन परचेस किया है। मेरा जो शेड आता है मेबलिन के अंदर वो आता है 230, एकदम परफेक्ट जाता है। समटाइम मुझे 310 भी सूट हो जाता है और पैक फाउंडेशन के अंदर मुझे जाता है 1.0 मेरा शेड है। अब इन सब शेड के बाद में जो मैंने इसका शेड परचेस किया है वो है सिनेमॉन। मैंने ये रिव्यू देख के लिया है, मुझे लगा था ये थोड़ा डार्क कलर होगा तो मैं इसे मिक्स करके सेट कर लूँगी, बट आई थिंक ये मुझे एकदम परफेक्ट गया है। अभी मैंने यही फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है और ये फाउंडेशन की क्वालिटी जो सबसे अच्छी मुझे लगी ये है कि आप जब इस फाउंडेशन को अप्लाई करते हो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कोई फाउंडेशन वेयर कर रखा है। इवन बेबी क्रीम से भी ये लाइट वेट फाउंडेशन मुझे लगा है। तो ये एकदम लाइट वेट फाउंडेशन है और इसकी कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये मीडियम कवरेज देता है। अगर आप फर्स्ट लेयर लगाओगे तो आपको एकदम मीडियम कवरेज लगेगा, अगर आपके बहुत ज़्यादा स्पॉट हैं तो, और अगर नहीं है नॉर्मल स्किन है तो आपको 1 लेयर ही इनफ होगा। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा स्पॉट हैं तो मे बी आपको 2 लेयर इस पर अप्लाई करनी पड़े। 2 लेयर के बाद भी आपको ये बिल्कुल भी केकी या हैवी फाउंडेशन नहीं लगेगा वेयर करने के बाद में। ये एकदम लाइट वेट फाउंडेशन है। मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी कि ये फेस पर अप्लाई करने के बाद कैसा दिखता है और इसकी थिकनेस कैसी है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ क्लियर पिक्चर इस फाउंडेशन की। आप देख सकते हैं 13 ml की ये क्यूट सी बॉटल है जिसके अंदर ड्रॉप कैप आता है। इस तरीके से आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, लिक्विडी फाउंडेशन है। यहाँ पे मैंने सिनेमॉन जो शेड परचेस किया है वो मीडियम स्किन टोन को एकदम परफेक्ट है और वो क्लियरली कैसे दिख रहा है कि इसका शेड किस टाइप का आएगा। अब मैं सबसे पहले अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अब मैं उस फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी, ड्रॉप की हेल्प से पिक करते हुए अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अब मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब करते हुए सेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे स्किन टोन पर एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। मुझे पिंपल है तो मैं इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा आफ्टर सेकंड लेयर। अभी मैंने फर्स्ट लेयर को ही मैं डैब करके सेट कर रही हूँ। जब मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर लूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन की सेकंड लेयर अप्लाई कर ली और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे स्पॉट को हाइड कर दिया है। ये सेकंड लेयर अप्लाई करने के बाद ये फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन जो है अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा ऑरेंजिश, डार्क ऑरेंजिश है, क्योंकि मेरे को जो मोस्ट ऑफ टाइम शेड जाते हैं वो थोड़ा न्यूट्रल टोन में चले जाते हैं, कूल टोन में। बट इसका हल्का सा वार्म टोन है, बट मुझे अच्छे से सेट हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इतना कोई नहीं है कि एकदम बहुत ही मतलब वाइट दिख रहा है या बहुत ही ऑरेंजिश दिख रहा है, एकदम मुझे परफेक्ट सेट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई फाउंडेशन सेट नहीं होता है तो आप उसमें लाइट कलर मिक्स करके उसे सेट कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरा फाउंडेशन का वीडियो देखा होगा, तो इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं। बट मुझे इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मे भी अगर मैं इसके साथ में कोई फाउंडेशन सेट करती तो ये मुझे थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ जाती, ये मुझे थोड़ा मोटा दिखता। बट मुझे मैंने इसके साथ में कोई मिक्स नहीं करा, तो मुझे एकदम लाइट वेट लग रहा है। बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि मैंने इसके साथ मतलब मैंने कोई फाउंडेशन वियर कर रखा है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे जीमेल पे कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, फेसबुक से मेरे वीडियो वॉच कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास में, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। जो भी मेरी आईडी है वो नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो मेक श्योर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो, आप परचेस कर सकते हो। नायका, अमेजोन, मिंत्रा पर ये अवेलेबल है। मिंत्रा पर मे भी ये अवेलेबल ना हो, बट नायका और अमेजोन पर ये अवेलेबल है। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।